हेलो दोस्तों, अब की बार एक सीट हमार डीएसएसबी में पीआरटी में भर्ती आ चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ कैसे तैयारी करें कि इस बार एक सीट हमारी हो, क्योंकि नौकरी उतनी आसान नहीं जितना हम और आप समझते हैं। लेकिन आपकी मेहनत अगर बेहतर और एक सही दिशा में हो तो नौकरी आसानी से मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतिस्पर्धा ज्यादा है क्योंकि पद संख्या कम है। उस सब हिसाब से अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सिलेबस को कैसे पढ़ें, क्योंकि यहां पर 200 प्रश्न है, समय 120 मिनट है। मतलब कहा जाए तो एक प्रश्न के लिए मात्र 35 से 36 सेकंड है। और अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो 120 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, 150 प्लस, तब जाकर कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ जोन में पाएंगे। और उसके लिए उतनी कम समय में पूरे पेपर को टच करना हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज होगी। उसके साथ साथ किस सेक्शन को पहले हल करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 100 नंबर में ये 5 सेक्शन है और 100 नंबर में एक अलग से केवल केवल एजुकेशन फील्ड है, जिसे टीचिंग मेथड हो गया, पेडागॉजी हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, कुछ ऐसे राइटर्स के नाम हो गए आपके, साथ साथ सब्जेक्ट के जो पेडागॉजी है वो भी आपको पढ़ने को मिलेगी। मतलब सिलेक्शन के लिए अगर आपने स्मार्ट तरीका नहीं अपनाया तो शायद ये नौकरी उतनी आसान नहीं है। अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा कैसे पढ़ना है। उससे भी बड़ी बात, दोनों सेक्शन में मिनिमम आपको 40% क्वालिफाई मार्क्स जो है वो भी अर्जित करना है। मतलब अगर देखा जाए तो ये 100 प्रश्न होंगे आपके और ये भी 100 प्रश्न है, यहां से भी आपके जो प्रश्न की संख्या होगी वो होगी 100। और इसमें मिनिमम अगर लाना है तो यहां पर भी 40% और यहां पे भी 40%। तो क्या आपको लग रहा है कि 40% अंक लाकर आप सिलेक्शन पा सकते हैं? जी नहीं, 40% अंक लाकर केवल आप कट ऑफ में, अगर फर्स्ट सेक्शन में 40% से कम है तो सेकंड की कॉपी आपकी नहीं जचेगी। अगर उससे ज्यादा है तो दोनों कॉपियां जचेंगी, फिर उसके बाद स्कोर कार्ड बनेगा। मतलब अगर समय की बात की जाए, अगर हम यहां पर टाइम की बात करें तो टाइम आपके पास जो है 120 मिनट का है। अगर हम क्वेश्चन की देखें, अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये हो जाता है आपका 200। लेकिन ये फॉर्मेट जो होगा वो एमसीक्यू में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, लेकिन कैसे होगा, सीबीटी माने कंप्यूटर पर, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ऑनलाइन एग्जाम होने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम एक साथ सारे प्रश्नों को नहीं देख पाते। अगर आपको पूरा पेपर मिलता ऑफलाइन होता तो मुश्किल से 2 मिनट में एक बार पूरा पेपर पलट लेते, आपको ये समझ में आता कौन सा सेक्शन पहले करना है कौन से बाद में। यहां तो एक एक प्रश्न के बाद अगला प्रश्न आएगा, आपको 200 प्रश्न पीछे जाना पड़ेगा। इस दशा में आपकी जो रणनीति होगी, जो आपका तरीका होगा पढ़ने का, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा माने रखता है। माने हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ा तो आप इस रेस से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार कहने से आपकी नहीं होगी, उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, कहां कहां से किस किस टॉपिक को कितना अध्ययन करना, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 5 महीने का समय है, क्योंकि ये परीक्षा नवंबर से दिसंबर के पहले आयोजित नहीं होगी। मतलब अगर आपके पास 5 से 6 महीना है और इन सभी टॉपिक को पढ़ना शुरू करें तो शायद आप नौकरी आसानी से दिल्ली में कर सकते हैं बतौर एक गवर्नमेंट टीचर। लेकिन उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान देनी होंगी, कुछ बहुत सारे अगर आप लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारी किताबों के नाम बताएंगे, मोटी मोटी किताबें, लेकिन आपको या उनको ये नहीं पता है कि क्या ये सारी किताबें 5 से 6 महीना में पढ़ के खत्म की जा सकती हैं। ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमें ऐसे किताबों का चयन करना है कि जहां से हम 5 से 6 महीना में पूरी तैयारी कर ले, और किस सेक्शन को कितना पढ़ना है। सबसे पहला एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो फर्स्ट पेपर है ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप टीजीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेखपाल, पटवारी, चाहे नर्सिंग, कोई भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस भर्ती में जो आपके सामने विज्ञापन आया है वहां पे ये फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन है। माने ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये सभी के लिए सेक्शन है, सभी के लिए कॉमन है। लेकिन सेक्शन बी जो है आपका, जो सेकेंड फेज है आपका बी, यह केवल केवल आप लोगों के लिए जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब यहां पे 100 मार्क्स यहां से 100 मार्क्स यहां। बहुत सारे अभ्यर्थी यहां पे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश में किसी को दिक्कत होगी, किसी को मैथ में दिक्कत होगी, किसी को रीजनिंग में दिक्कत होगी, किसी को इंग्लिश में दिक्कत होगी, किसी को करंट अवेयरनेस और जीएस जीके में दिक्कत होगी। माने मिलाजुला कर हम देखे और आप
के साथ मिलकर हम लोग अध्ययन करें तो एक बात स्पष्ट होता है कि पांचों सेक्शन किसी व्यक्ति का मजबूत नहीं है। तो जब पांचों सेक्शन मजबूत नहीं है तो क्या हमें उन पे भी अपना समय देना चाहिए जो सेक्शन हमारा मजबूत नहीं है? आइए इस बात को हम लोग ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यहां पे अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहां पे निगेटिव मार्किंग भी आपकी, अगर हम निगेटिव मार्क की बात करें हम तो ये भी है 0.25। माने अगर आपके एक गलत प्रश्न होते हैं तो आपके नकारात्मक अंक भी काट ले जाते हैं। तो यहां पे इस बात का हमें और आपको ध्यान देना होगा कि नकारात्मक अंक होने के बाद भी हमें कैसे सिलेक्शन लेना है। तो यहां पर कुछ बातें ध्यान दीजिएगा, जैसे कौन कौन सा सेक्शन आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी आपका एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आसानी से थोड़ी सी मेहनत करके आप 20 में 18 कर सकते हैं। माने अगर हम यहां पे बात करें एकदम नॉर्मल तौर पर, अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे, चाहे लर्निंग विद दुर्गेश पर पढ़ रहे होंगे, चाहे किसी भी चैनल पर पढ़ रहे होंगे, चाहे घर पे बैठ रहे होंगे, एक नॉर्मल किताब अगर आप पढ़ रहे होंगे तो यहां पे 3 नंबर का पैसेज आएगा। 3 नंबर के पैसेज हो, 3 आपके पूरे कंप्लीट, ठीक है, 3 नंबर के पैसेज होंगे, 3 से 4 नंबर के, उसके बाद व्याकरण सार के प्रश्न होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इस सेक्शन में आप 18 प्लस आसानी से रहें। दूसरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज है, प्राय लोगों को यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको इस सेक्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, खासकर DSSB जैसे परीक्षा में एक काफी हाई लेवल का प्रश्न आता है। उस दशा में अगर आपका इंग्लिश वीक है तो इस पर ज्यादा समय मत दीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका ये 100 नंबर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। आप नॉर्मल पढ़ने का प्रयास करिएगा, अगर बहुत स्ट्रांग है तो उसके लिए लूसेंट की इंग्लिश की बुक आती है, तकरीबन 400 पेज की होगी, 500, वो आप देख सकते हैं, या कक्षा 11-12 का एक्सेलेंट देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्ट्रांग जोन है तो ही करिएगा, अगर वीक जोन है अपना समय उस पर न दीजिएगा, जैसा कि आपको बेहतर लगे। दूसरा सेक्शन आता है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, माना कि यहाँ पे अगर, क्योंकि थोड़ी सी कठिन स्तर जो इसकी कठिनाई ज्यादा है, हम यहाँ पे देखते हैं अगर 8+ भी आपका रहता है, बहुत ही कम से कम अगर आप 8+ कर लेते हैं। दूसरा आता है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की बात करें, जब मैथ की बात करते हैं तो यहां पर एक बात सबसे ज्यादा दिक्कत होती है गणित में। लोगों को लगता है मैं गणित में कैसे स्कोर करूं, तो गणित में स्कोर कर सकते हैं, इलेनी में दुर्गेश पर भी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, मैथ सर पढ़ा रहे अपना मैथ क्लासेज पे, तो बहुत सारे सेक्शन है आपको गणित आसानी हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर अगर आपका गणित स्ट्रांग नहीं है, यहां पर भी अपना समय मत गवाइए, क्योंकि 5 महीने में अगर आप केवल गणित 20 नंबर का तैयार करेंगे तो आपके 180 नंबर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये आपका व्यक्तिगत विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्या करना है कैसे करना है ये आपको सोचना है। ये मैं अपना स्वविवेक आप तक पहुंचा रहा हूं, कैसे आपको पढ़ना, सिलेक्शन कैसे लेना है, एक सरकारी नौकरी कैसे करनी है, उसकी तैयारी है ये। इसलिए नहीं, आप क्या तरीका है, क्या आप अपनाते हैं, किसी को यहाँ पे जैसे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो क्या करेंगे, उनका यहाँ पे क्या होगा, 18+ होगा, हिंदी में वो 8+ होंगे, मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैथमेटिक्स का, तो गणित के लिए अगर आपके पास कोई बुक अच्छी हो तो ठीक है, नहीं है तो जिनके गणित स्ट्रांग है ज्यादा, मतलब मैथमेटिक्स बेहतर, वो आरएस अग्रवाल को पढ़ सकते हैं। एडवांस के लिए आप प्रैक्टिस सेट यूज कर सकते हैं, SSC का प्रैक्टिस सेट यूज करिएगा, या DSSB का, DSSSB का जो है, बहुत सारे ऐसे पेपर हो चुके हैं जिनके प्रैक्टिस सेट एक बार आप हल कर लीजिएगा। यहां पर भी बहुत ज्यादा अगर हम और आप मेहनत करते हैं तो स्कोर जो होगा वो 10+ होगा, वो 10+ होगा, मतलब एक मान लेते हैं कोई 15+ भी होगा तो लगभग एक नियर अबाउट अगर औसत देखा जाए तो लगभग आप 12+ तक रहेंगे, 12+, क्योंकि गणित का जो लेवल होता है बहुत स्टैंडर्ड होता है। और एक बात और याद रखना है कि गणित के सवाल में अगर जहां पे भी आपको लग रहा है कि ये सवाल, ये प्रश्न में आपका समय टूटेगा, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे आपके अंक प्रभावित हो जाएंगे। ये व्यक्तिगत विचार है मेरा स्कोर करने का, सिलेक्शन लेने का, ऐसा नहीं है कि हम बता देंगे 15 नंबर आएगा, 20 नंबर आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल होता है इसका। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लगातार क्लास पढ़ रहे हैं और इलेनी बुद्रगेस पर जुड़े हुए हैं, रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लिया है, या तो आरके झा की अरिहंत की बुक आती है वो अगर आपने एक बार पूरा सॉल्व कर लिया है तो रीजनिंग के अंक आपके पूरे के पूरे हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती नहीं की, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसपे प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं लगता, घड़ी उल्टी चलती रहती है, उस दशा में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, वरना यहां पर भी आप 18+ करेंगे। थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि जितना समय आप गणित पर लगाने वाले थे जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता, उतना समय अगर आप रीजनिंग पर लगाएंगे तो गणित से बेहतर स्कोर करेंगे।
फिर आते हैं करंट अफेयर की बात करते हैं, जहां पे 4 प्रश्न आपके करंट से और 16 प्रश्न आपके जीके से आएंगे, टोटल 20 प्रश्न होंगे, 3-4 क्वेश्चन करंट से होंगे। तो करंट के लिए प्रतिदिन इलर्निंग विद दुर्गेश पे क्लास चलती है, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या परीक्षा से एक महीने पहले हम आपको परीक्षा मैगजीन उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात आप याद रखिएगा, यहां पर भी अगर आप लगातार मेहनत करें, जीएस से है, जैसे नॉर्मल जीएस आता है उतना भी, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भारतीय संविधान से होता है, इंडियन ज्योग्राफी से होती है, मॉडर्न इंडिया से होता है, हिस्ट्री से होता है, इकोनॉमी से होता है, ठीक है, 1-2 सवाल साइंस से होते हैं, तो मिला जुला अगर आप इस पर अगर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे तो यहां पर भी आप 14+ कर सकते हैं। अब ओवरऑल अगर देखा जाए स्कोर आपका यहाँ पे क्या होता है, तो 8, 4, 12, 2, 14 और 14 और 8, 22 और 22 और 8, 30 एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, 30, 1, 2, 3, 4 और 4, 3, 7 माने आपने यहां पे 70 अंक अर्जित किए। एक बार ऐड कर लीजिएगा आप लोग, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, नहीं कुछ गलत हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा ऐड करने में, सही है। चलिए यहां पे 70 बहुत अच्छा स्कोर हो गया, एकदम मिनिमम मान के चल रहे। और अगर आपने सेक्शन बी को एकदम ईमानदारी से एनआईएस, डीएलएड, बीएड, इग्नू की जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ लिया, या मैं स्वयं आपके लिए इसकी सीरीज लेकर आ रहा हूं जो मैं ई लर्निंग दुर्गेश पर आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा, तैयारी 100 नंबर की, जहां पे आप पूरी तरह से शिक्षण, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और साथ ही साथ जो इग्नू की कुछ किताबें हैं उनके जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ आयोग प्रमुख, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है यहां से भी 8 से 10 प्रश्न बनने हैं, लेकिन डीएसएसबी का कोई एक मूल फोकस नहीं है किस किस टॉपिक से आप कितने कितने प्रश्न देगा, लेकिन जितना भी चाइल्ड साइकोलॉजी के आसपास जितना भी सेक्शन आपको मिलेगा उसके इर्द गिर्द हम लोग को पूरा कवर करना है। उसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, अगर उनको हम लोग फोकस करें तो इस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से 80 स्कोर कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। लगातार अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं ऐसे व्यक्ति से जो ऑलरेडी पहले सिलेक्टेड है या जिनका इस पर कमांड बेहतर है, तो आप यहाँ पे 80 स्कोर कर सकते हैं, यहाँ पे आप 80 स्कोर आसानी से कर सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि 80 और 70 कितने हो गए, आपके कम से कम 150 प्रश्न हो गए, लेकिन जरूरी कि 150 प्रश्न जो आपने किए हो क्या सबके सब सही हो, नहीं हो सकता। अब हम लोग यह मानते हैं अगर आपके 12 प्रश्न गलत हो गए, माना आपके 12 प्रश्न गलत हो गए, अगर यहाँ पे आपने 12 प्रश्न आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। अगर 1 मार्क्स का पेपर होगा मतलब 1/4 यहाँ पे माइनस मार्किंग है, एक एक प्रश्न एक नंबर के हैं तो 4 प्रश्न आपके और कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 प्रश्न आपके और कम हो जाएंगे, 12+3 माने 15 प्रश्न आपके और कम हो जाएंगे, तो टोटल कितने हुए 135। और 135 एक सेफ स्कोर है क्योंकि ये 12 प्रश्न गलत होंगे, नकारात्मक अंक होगा आपका, 0.25 से मल्टीपल होगा, तो टोटल कितने होंगे 15, तो यहाँ पे 15 प्रश्न आपके और माइनस, मतलब आप एक सेफ स्कोर पे पहुंचेंगे 135। अगर आप इतना कर पाते हैं तो सिलेक्शन 100% आपका होना था, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बाकी 12 गलत हो सकता है कुछ ज्यादा सही हो सकता है कोई सेक्शन आपका और बेहतर हो, किसी सेक्शन में आपने और कम किया हो, मतलब एक औसत हम लेकर चल रहे हैं कि 6 महीना की तैयारी में अगर आपने इतना कर लिया तो आपको चयनित होने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आप इस वीडियो से पूरी तरह संतुष्ट हैं तब इस वीडियो को अपने सभी साथियों को भेजिएगा, वे साथी जो बीटीसी, बीएड, डीएलएड, जेबीटी कर घर पर बैठे थे, सीटेट पास थे और उनको यह लग रहा था कि मेरा चयन कैसे होगा, क्या शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो क्या आपका चयन नहीं होगा। लेकिन एक दूसरी बात है, अगर इस भर्ती में आपका चयन नहीं हो पाता, खुदा ना खास्ता अगर आपने 5 महीने की तैयारी कर दी, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप अपना ताल ठोक कर रखिए, आप वहां पे इतना बेहतर स्कोर करेंगे जितना अभी तक आपने सोचा भी नहीं था। मेरी जो क्लासेज होंगी जो आपको निःशुल्क मिलेंगी वो टेलीग्राम पर मिलेंगी, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के दुर्गेश सर, जैसे सर्च करेंगे इलर्निंग विद दुर्गेश आएगा टेलीग्राम पर, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, लेकिन ऑनलाइन क्लास या नोट्स घर बैठे अगर आपको प्राप्त करना है तो इस नंबर पर आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपको जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मिलेंगी, मेरे द्वारा क्लासेज जो होंगी वो निःशुल्क मिलेंगी, इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ
जल्दी आपको प्ले स्टोर पर इलेनियम दुर्गेश का एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले हफ्ते से आपको वहां पर भी सारी क्लासेज उपलब्ध हो जाएंगी जहां पे आप घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक बार किताबों के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर जो है जहां पे सेक्शन फर्स्ट जो है जहां पे अगर आपको 70 स्कोर करना है उसके लिए एक बार प्रीवियस ईयर का जो पेपर है एक बार देख लीजिएगा, जहां पे हिंदी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है आदित्य प्रकाशन की आती है व्हाइट कलर बुक है वो आपके लिए बेस्ट पड़ेगी। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लूसेंट भी ले सकते हैं, माने हिंदी के लिए लूसेंट और आदित्य दोनों आपके लिए बेस्ट है। उसके ऊपर अगर बात करें मैथमेटिक्स के लिए तो मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको नहीं आता गणित वीक है तो लूसेंट की मैथ पतली आती है जो आगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी काम करेगी वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जीएस के लिए करंट के लिए डेली क्लासेज इलेनी विद दुर्गेश पर होती है 9:30 बजे प्रतिदिन 9:30 बजे टाइम अपने मोबाइल पे लगा लीजिएगा, शेड्यूल सेट कर लीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेली 9:30 बजे चलती है निःशुल्क आपको क्लासेज, वहां पे आप जुड़िएगा नोट्स बना लीजिएगा नहीं तो नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। घर बैठकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं लेकिन इतना कहना जितना आसान है उतना सरकारी नौकरी लेना नहीं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारे के लिए आपको तकरीबन इन 5 महीनों में अपने जिंदगी का बेस्ट देना होगा। यह मानकर यह आपके जीवन की आखिरी भर्ती है, इसके बाद कोई भर्ती नहीं आनी है। इसी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा अगर आप इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं तब, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और जो यहाँ पे गलती का दायरा मैंने 12 बताया है इससे और आपको बेहतर करना पड़ेगा। ये प्रयास करना पड़ेगा कि कम से कम गलती करे ज्यादा से ज्यादा सही करे, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन होनी है और ऑनलाइन होने पे सबसे बड़ी दिक्कत है प्रश्नों तक पहुंचना, क्योंकि आपके पास समय कम होता है खासकर जब परीक्षा में जाते हैं उल्टी घड़ी चलना शुरू होती है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको नौकरी करना है ना तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो के, लेकिन कुछ किताबें अपने पास इकट्ठा करिएगा। हमारी क्लासेज आपको सोमवार से इलेनी विद दुर्गेश पर मिलना शुरू हो जाएगा और जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो क्या आप तैयार हैं, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं, तो जल्दी से अंगूठा का बटन दबाइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि आपको आधी क्लासेज जो है वो आपको स्टडी विद दुर्गेश सर पर मिलेंगी। तो ये यहां पे 2 यूट्यूब चैनल है जहां पे सेक्शन फर्स्ट की कुछ क्लासेज आपको स्टडी विद दुर्गेश पर मिलेंगी, बाकी क्लासेज इलेनी विद दुर्गेश पर। तो चलिए क्या आप तैयार हैं, अब की बार एक सीट हमार, अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा अन्यथा नो। जय हिंद जय भारत।